केरला के लोगों का दर्द यह है कि हमारी जवानी जो है इस देश में नहीं, देश के बाहर गुजरती है, कि यह देश टूटने वाला नहीं है, यह देश नफरत से नहीं चल सकता। बेरोजगारी की दर बहुत बड़े पैमाने पे जो मिला वो केरला में। भारत जोड़ो यात्रा बेल्लारी पहुंच चुकी है और बेल्लारी में आज राहुल गांधी की एक जनसभा होनी है। अभी आप देख सकते हैं कि यात्रा जा रही है और इसमें एक बड़ा जनसमूह में देखने को मिला है। इसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं जो भारत जोड़ो यात्री हैं, वो करीब 120 हैं जो कांग्रेस की टीम के साथ हैं। हमारे साथ देवेंद्र निषाद जी हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, आप 38 दिन से इस यात्रा में शामिल हैं, क्या इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं? इस यात्रा का जो उद्देश्य रहा, भारत के अंदर जो नफरत पैदा किया गया हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, इसका लोगों के अंदर एक जो लगाव था वो लगभग टूट रहा था। इसको जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी ने जो यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा, ये यात्रा कन्याकुमारी से जब चला, केरला होते हुए आज बेल्लारी में है, एक महसूस हुआ हम लोगों को कि यह देश टूटने वाला नहीं है, यह देश नफरत से नहीं चल सकता, ये देश जो भाईचारा से चलेगा, ये देश जो एकता से चलेगा, तभी देश की अखंडता कायम रहेगी। और यह देखने को मिला, बड़े पैमाने पे आबादी केरल के अंदर माइनॉरिटी समाज की है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू की आबादी भी लगभग उनके सेम है। उनके बीच जो रोडों पे हम लोगों ने देखा, हर समाज के लोगों ने इस यात्रा का समर्थन किया, उत्साह के साथ समर्थन किया। इसे यह महसूस होता है कि देश के अंदर नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, देश के अंदर भाईचारा रहेगा और देश का हमारा जो एकता अखंडता है वो जो है यहाँ पे मौजूद रहेगा। यह देश सिर्फ हिंदुत्व की बात इस देश में नहीं होगी, सबकी बात होगी। महंगाई बेरोजगारी पूरे देश में बड़ा मुद्दा है, यहाँ लोकल में जब आप लोगों से बात करते हैं, हमने भी कई लोगों से बात की, बेरोजगारी यहाँ भी एक समस्या है, महंगाई भी एक समस्या है, यहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स? देखिए, सबसे ज़्यादा असर केरला में है। केरला चूंकि शिक्षा के मामले में देश में नंबर वन है, केरला के लोगों का दर्द यह है कि हमारी जवानी जो है इस देश में नहीं, देश के बाहर गुजरती है। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी रोजगार के लिए हमें अमेरिका से लेके सऊदी अरब के देशों में जाना पड़ता है और 45 साल 50 साल की उम्र के बाद हम अपने परिवार में आते हैं। इस बात का दर्द लोगों को है, बेरोजगारी की दर्द बहुत बड़े पैमाने पे जो मिला वो केरला में मिला। अच्छा, यात्रा से क्या बदलाव महसूस करते हैं, क्या बदलेगा राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर? देखिए, सामाजिक तौर पे जो यहाँ पे धर्म के नाम पे जो लोगों में दूरियाँ पैदा किया जा रहा था, जो भाईचारा ख़त्म किया जा रहा था, उसमें एक लगाव आएगा, संबंध बरकरार होगा। और दूसरी जो आप यात्रा का जो लक्ष्य था, महंगाई का, बेरोजगारी का, नफरत ख़त्म करने का, सरकार पे इसका असर पड़ रहा है, सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा।